फ्रेंड्स, माय नेम इज फैजा खर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलर सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट हाइट एंड मेड अ रेक्टेंगल शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरिमीटर ऑफ दीज रेक्टेंगल शीट्स। मीन्स आपके पास देखिए एक लेटरल सरफेस एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, होलिंग सिलेंडर क्या होता है? वही लिटरल सरफेस की तरह ही होता है। उसमें भी हमारा टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता, और लिटरल सरफेस एरिया में भी हमारा टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता। ओके, देन होलिंग सिलेंडर कुछ ऐसा कुछ होता है। ओके, सो जब आप इसको कट करोगे बीच में से, ना तो इसका टॉप है ना इसका बॉटम है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएगा। ओके, मींस लेंथ बड़ी ब्रेथ छोटी। ओके, सो ये कितने का होगा? 33 सेंटीमीटर की ब्रेथ होगी। सो इसमें क्या क्या फाइंड हो गया? एरिया ऑफ लिटरल सरफेस, एरिया ऑफ लिटरल सरफेस एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, सो देखिए लिटरल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, अब देखिए लिटरल सरफेस एरिया क्या आपको गिवन है, कितना है? 4224। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। सो ब्रेथ हमको 33 गिवन है, लेंथ हमको गिवन नहीं है। सो 4224। अब हमको लेंथ फाइंड करनी है। सो लेंथ हम इधर ही रहने देंगे, 33 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 33। सो ये 11 से कट, मींस 3 की टेबल से कट हो जाएगा। 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 0 0 3 8 24 1 4 0 8 आया। अभी 11 से फिर से कट हो जाएगा। 11 1 11 11 1 11 11 2 22 11 8 88। ओके, सो मींस लेंथ कितनी आ गई? 128। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस बी, मींस 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस बी। ओके, सो देखिए पेरीमीटर टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो हो गया लेंथ क्या है हमारे पास अभी फाइंड की थी 2 128, देन ब्रेथ है 33। इसको ऐड करते हैं, 8 प्लस 3 इज 11, कैरी 1, 5 प्लस 1 इज 6 और 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 6 12, कैरी 1 2 1 2 एंड 2 3, यह होगा हमारा आंसर। ओके, सो 332 मीटर स्क्वायर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स।